नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। ट्रांसफार्मर लगाने की मांग। केतार प्रखंड क्षेत्र में एकलौता बिजली सब स्टेशन से महज 500 मीटर दूर नावाडी गांव 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण अंधेरे में है। बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की है। बिजली उपभोक्ता लक्ष्मी सिंह, अशोक सिंह, मेघनाथ प्रजापति, संतोष सिंह, मिर्जा सिंह, उमेश सिंह, अंकुश सिंह, राजेश प्रजापति ने बताया कि हम लोगों के गांव में बिजली सब स्टेशन होने के बाद भी गांव में अंधेरा पसरा है। सभी ने बताया कि कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही की वजह से अभी तक ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है। जिस दिन ट्रांसफार्मर जला था उसी दिन विभागीय मिस्त्री एवं अन्य लोगों को इसकी सूचना दे दी गई थी, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से नया ट्रांसफार्मर लगाकर सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। क्या कहते हैं एसडीओ बिजली विभाग के सुभाष कुमार? जिन गांवों के ट्रांसफार्मर खराब है उस गांव के ग्रामीणों द्वारा कंज्यूमर नंबर के साथ आवेदन देने पर उनकी बिजली मीटर बंद कर दिया जाएगा और नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर खराब ट्रांसफार्मर की जगह लगा दिया जाएगा, फिर मीटर चालू कर दी जाएगी। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।